मेरा नाम है प्रियांशु गुप्ता फ्रॉम पड़ोजी जम्मू, और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन एग्जामिनेशन 2023। और कुछ लास्ट मिनट टिप्स ऑन ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत सारी समस्याओं से जूझता था, तो उन समस्याओं का कुछ तोड़ है जो एग्जाम के टाइम पे आपको काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्जाम टाइम में आपको अब टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो भी साल भर पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, और जो आपको नहीं पढ़ना था वो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट मिनट में आपने रात रात भर जगना चालू कर दिया है और उसके लिए पढ़ना चालू कर दिया है। इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि जो स्लोली और स्टेडी टाइप में मेहनत होती है वो वन डे में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जहां पे आपको मगअप करना है और वॉमिट करना है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स का एप्लीकेशन करना है। इसलिए अब आप लास्ट मिनट पर कुछ मत पढ़िए। देखिए, अभी हो सकता है जिसका पेपर 25 तारीख को है उनके लिए पहला अनुभव हो, लेकिन जिनके लिए 25 तारीख के बाद के पेपर हैं वो 25 तारीख मेमोरी बेस्ड पेपर देखना चालू कर देंगे, जो कि मार्केट में बहुत सारे आए कंपनियों के आएंगे, ठीक है। तो उससे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छा ये तो बड़ी आसान प्रॉब्लम है मैं तो कर लूंगा। पता नहीं है आपके पेपर में किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, आप उसे कैसे फेस करोगे, लेकिन इस पेपर को देखने से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ इस बार जेईई मेन ने किस पैटर्न को फॉलो किया है, क्या लॉजिक पर चीजें पूछी जा रही हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा बस। बाकी आप ऑन द मोमेंट कोई नई चीज नहीं पढ़िएगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आप लास्ट मोमेंट पर कुछ भी मत पढ़िए। जो आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अगर किन्हीं के पास टाइम है, जिनके आखिरी में पढ़ रहे हैं उनके पास अगर टाइम है, तो वो पास्ट ईयर के पेपर करें पूरे पूरे, या फिर फुल सिलेबस के टेस्ट दें, जहां से भी वो देते हों फुल सिलेबस टेस्ट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे सकते हैं। लेकिन लास्ट मिनट पे कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक स्टडी के दौरान ये पाया गया है कि जितना आदमी ठीक से सोता है उसका दिमाग उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और जेई मेन में क्या चाहिए, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिस्पॉन्स आप कर सको। इसलिए सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिए, जगने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिए। मैं कहूंगा कम से कम 6 से 7 घंटे आप जरूर सोइए, और इस दौरान आप जितना कूल रहेंगे उतना अच्छी बात है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। बढ़िया से सोइए, बढ़िया से काम करिए, बी हेल्दी, आप हेल्दी रहिए। हेल्दी रहने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोशिश करिए कि इस समय पे कोई सीजनल फ्रूट्स आते हों वो खाइए, और घर का बना हुआ खाना खाइए, बर्गर डोसा पिज्ज़ा चाउमीन इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाइए, क्योंकि ये सब आपके अंदर एक लिथार्जिक नेचर लेके आएंगी और इस समय आपका लिथार्जिक होना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए खाइए वैसा जैसे लगे शरीर को, और आपका दिमाग ठीक रहे और ठीक से चले, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बोलते हैं अपने आप को मेडिटेशन में डाल सकते हैं उतना मेडिटेशन डालिए। आंख बंद करके आप चीज़ों को मेमोराइज करिए, चीज़ों को रोटेट करिए कि आपने क्या पढ़ा है, और उसको देखिए, उत्साह पूरा रखिए, लेकिन घबराहट ना आए, इस डिप्रेशन में आप ना जाएं, इसके लिए आपको एक मेडिटेशन टाइप में करना चाहिए। मतलब आंख बंद करके अपने आप में गुनगुनाना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। पेपर के दौरान आप डिप्रेस में चले ना चले जाएं, या फिर आप एक्साइटेड ना हो जाएं, इसलिए आपका काम होना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए पेपर में, आराम से पेपर करिएगा, धीरे धीरे पेपर करिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको कर पाए, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। भगवान से मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जेईई मेन का। मैं प्रार्थना भी करूंगा कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, पूरे इंडिया में सारे बच्चों का जेईई मेन का पेपर अच्छा हो, जिनका बहुत अच्छा होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई मेन 2023। थैंक यू।